नमस्कार सभी को। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के माध्यम से हम लोग जीटीए क्षेत्र के गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेन टीचर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो डीएलएड करके वहाँ पे बैठा हुआ है उसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज मैं सुदन गुरुंग और मेरे सामने मेरा कालीपुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का सभापति श्री रोमन भुजेल जी और इधर हम लोग का खरसांग महकुमा समिति का सेक्रेटरी गुंजन प्रधान के साथ हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पे आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में हम लोग हाजिर हुए हैं। हम लोगों का मेन मोटिव आज का ये मीडिया में बात करने का मेन मोटिव ये है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज बंगाल में जो ये अवैध शिक्षक नियुक्त के जो अभी तक ये इलीगलिटीज सीबीआई जांच कर रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि सिलीगुड़ी कॉलेज का एक स्टूडेंट जो एक लेडी है जो नक्सलवाड़ी से बिलोंग करते हैं बबीता सरकार, उसने ये इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट में जब उसका नेम मेरिट से आउट हुआ था उसने हाईकोर्ट में केस किया था। उसी हिसाब से सीबीआई के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से ये पता चला कि परेश चंद्र अधिकारी एक टीएमसी का बहुत बड़ा मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का बेटी अंकिता अधिकारी को उसका मेरिट में मैनिपुलेट करके उसका नियुक्ति में दे दिया है और उसके बाद उसको वोट ने टर्मिनेशन भी किया और सैलरी को भी वापस करने के लिए बोला। और यही नहीं बल्कि अंकिता अधिकारी का जो कैबिनेट मिनिस्टर का पिताजी है परेश चंद्र अधिकारी जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री से हाईकोर्ट ने हटा भी दिया था। और इसी तरह से बाद में विभिन्न पश्चिम बंगाल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भी 269 जन इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट प्राइमरी सेक्शन में वो भी टर्मिनेट किया था। और इसी हिसाब से हम लोग जीटीए से बिलोंग करते हैं और हम लोग आज पहली बार ये सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के माध्यम से ये बात जानकारी कराना चाहते हैं हम लोग कि उधर जीटीए में भी 2019 में प्राइमरी 121 कैंडिडेट्स, अपर प्राइमरी 59 कैंडिडेट्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 313 कैंडिडेट्स को नियोग किया गया था, टीचर रिक्रूटमेंट किया गया था। फिगर आपका ये जो है प्राइमरी में 121 अपर प्राइमरी में 59 और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 313 जन 313 जन को इलीगली अपॉइंट किया था। हम लोग ये क्यों दावे के साथ कह सकते हैं कि ये इलीगल है बोल के, आप जैसे कि जानते हैं सीबीआई जांच कर रहे हैं हाईकोर्ट में, जीटीए छोड़ के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के उस राज्य में लेके जितना भी इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट हुआ है सीबीआई अभी भी जांच में जुटा हुआ है। ईडी बहुत इसके बारे में खोजी कर तलाशी कर रहे हैं। अभी जीटीए में क्या हुआ है बल्कि जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है उसमें तो एसएससी एग्जाम हुआ था, टेट एग्जाम हुआ था और उसके बाद जाके मेरिट में मैनिपुलेट किया था। लेकिन जो दार्जिलिंग एरिया कालिम्पोंग खरसाङ मंगपू मिरिक में टोटल जीटी एरिया में जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें कोई भी इंटरव्यू एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन सर्कुलेशन कुछ भी नहीं किया था। वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था एज पर पोलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में। वहाँ पे जितना भी लोग है एक ही पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स का फैमिली का 17 जन का नाम है और ऐसे ही करके सब पार्टी का कैडर्स लोग यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो लोग भी इन्वॉल्व है इस केस में। ये कोई इंटरव्यू कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। इसका कारण क्या हुआ है कि उधर में जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो डीएलएड और बीएड करके वहाँ पे बैठा हुआ है, इतना साल हो गया आज तक 2002 के इंटरव्यू के बाद वहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। पहले 98 और 2000 ईयर में दो ही बार हिल में एसएससी हुआ था लेकिन उसके बावजूद वो एसएससी को वो लोगों ने चालू नहीं किया क्योंकि वो लोग अपना कैंडिडेट एज पर फेवरेटिज्म पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में नहीं कर पाएंगे बोल के आज तक वहाँ पे कोई भी ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को ये मीडिया के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये 121 जन का कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट का लिस्ट है 121 जिसका अवैध तरीके से बैकडोर जो नेपाली में बोलते हैं हम लोग चोर दैलो, हाँ उसके माध्यम से ये लोगों का नियुक्ति दिया है। कितना कैंडिडेट इसमें ये है कि कोई बाहर में मकाऊ में दुबई में काम कर रहा था, कोई सिविक पुलिस वॉलेंटियर में लगातार रूप से 7-8 साल से काम कर रहा था, कोई कैंडिडेट ये है कि सब कितना पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स लोग है, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स लोग उसका खुद बीबी का नाम उसका फैमिली का नाम और पॉलिटिकल कैडर्स और यहाँ पे इसमें भी लाख लाख रुपया का खेलवाड़ हुआ है। अगर जीटीए में ये सीबीआई लगेगा तो यहाँ से 50 करोड़ से अधिक मात्रा में यहाँ पे जितना भी इन्वॉल्व पर्सन है वो लोगों का ये ईडी इसका जांच कर सकते है। और जैसे कि ये
इधर में हाई स्कूल का ये 313 जन, इसका कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं हुआ था, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज पर पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में और नेपोटिज्म करके हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों के पास एक जब ये 2019 में हुआ था, हम लोगों ने हाईकोर्ट में जाके इसको 2019 के मार्च में हाईकोर्ट कोलकाता में एडमिशन किया। और इसका जो केस है अभी लगातार रूप से ये जलपाइगुड़ी सर्किट बेंच में आपका मामला चल रहा है, उसमें लगातार रूप से एफिडेविट फाइलिंग का प्रोसेस चल रहा है। और इधर में देखिए यहाँ पे जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, जिसको ये 121 प्राइमरी में दिया था, उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आया है आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एपीसी भवन डी के सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। यहाँ से आपका डायरेक्टली ऐसे मेमो नंबर डाल के डेट 18/1/2019 डाल के ये कैंडिडेट लोगों को डायरेक्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के माध्यम से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। जबकि प्राइमरी में आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी टोटल हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट स्कूल काउंसिल का चेयरमैन रहे थे। और ऊपर से ये भी बात है कि ये कोई भी एग्जाम और इंटरव्यू नहीं किया था, और ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 14 और 16 है उसका हनन है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है डीएलएड और बीएड करके बैठा हुआ है, हजार हजार में से कैंडिडेट को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ये लोग डायरेक्टली ऐसे करके अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जीटीए में भी, जीटीए का भी इसमें बराबर भागीदारी है, इसमें जीटीए का डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के माध्यम से वही अपॉइंटमेंट लेटर को एब्जॉर्प्शन के माध्यम से फिर वहाँ पे जो उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का प्रेसिडेंट था श्रीमती छिरिंगदाल, हाँ उसने सिग्नेचर करके इसको और भी वो इसको सिस्टम में लाने के लिए इलीगल तरीके से ये सब किया हुआ है। और हम लोग आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे ये प्रोसेस में पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर्स है वो लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बात को लेके, जैसे कि उसके लिए हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं। ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सेकेंडरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग, और ये डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का जो लेटर हेड है उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल डीआई ने ईडी को लेटर भेजा है। इसमें क्लियरली बोला है कि सबमिशन ऑफ अपडेटेड वॉलंटियर असिस्टेंट टीचर्स ऑफ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या बात हो रहा है कि जितना भी यहाँ पे वॉलंटियर का लिस्ट है ये लोग ने ऐसे करके ये वेरिफिकेशन किया है प्रोसेस, जबकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज के डेट में कोई भी टीचर्स को अगर उसको अपॉइंटमेंट मिलना है तो उसको टेट के माध्यम से, अपर प्राइमरी टेट के माध्यम से, एसएलएसटी के माध्यम से और एसएससी के माध्यम से एग्जाम में होके इंटरव्यू देके उसको मेरिट में आके पास करके उसको सिलेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी हो रहा है वॉलेंटियर्स को लेके ये लोग रेगुलराइजेशन करके अपॉइंटमेंट करने की बात कर रहे हैं, जबकि 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें एनसीटी नॉर्म्स को मॉडिफाई किया गया है। एनसीटी में क्लियरली बोला है कि टीचर होने के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन सा एग्जाम बैठना पड़ेगा, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी ये वॉलंटियर का लिस्ट है ये सब एकदम इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये डिस्पाइट ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, उसके अगेंस्ट में भी है। और यहाँ पे जीटीए में ऐसे करके जो हो रहा है ये सब रिकमेंडेशन के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे वेन्यू ये लोगों ने जो किया है ये गेस्ट हाउस या तो होटल रूम में करके ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं। एक ही स्कूल में 20 जन 25 जन 32 जन को लेके ये लोग वेरिफिकेशन करता है। और ऐसे कर ये वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम दुकाने के लिए ये लोग एमएलए का सिग्नेचर लेके रिकमेंडेशन करता है, पार्टी लोगों का रिकमेंडेशन लेके करता है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी और ये हाई स्कूल का हेडमास्टर को जो सिग्नेचर है, हाँ, और ये वेरिफिकेशन कमेटी इलीगल तरीके से पैसे खा के ये लोग वॉलंटियर का लिस्ट का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कितना पोस्ट है टोटल पोस्ट? और यहाँ पे पार्टी लोगों का भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पार्टी लोगों का रिकमेंडेशन लेटर देके टोटली ये लोग पॉलिटिकल लेवरेज और मॉनिटरी लेवरेज में जो अपॉइंटमेंट कर रहा है। हम लोग इसका घोर से घोर विरोध करते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हम लोगों का ये अभी मामला जो हाईकोर्ट में जलपाइगुड़ी सर्किट बेंच के अंडर में चल रहे, हम लोग वहाँ पे पहले से ही एसआईटी का डिमांड करके रखा हुआ है। उधर में हम लोग ने लॉयर को अपील किया है कि वहाँ पे सीबीआई जांच के लिए अपील करने के लिए बोला है, और जितना हो सके यहाँ पे जीटीए में भी सीबीआई लगना चाहिए, ईडी लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत सारा धांधली हुआ है ये नियुक्ति को लेके। और वहाँ पे अगर ईडी लगेगा तो 50 करोड़ से भी ज्यादा, वहाँ पे जितना भी उधर कोलकाता में मिला है उससे भी ज्यादा रकम वो ईडी और सीबीआई को मिलेगा। और सबसे ऑन द टॉप ऑफ द डैट यहाँ पे जो शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन का बात चल रहा है,
ये जो पॉलिटिकल एफिलेशन से जो लोग यहाँ पे नियुक्ति पा रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, वो लोग कभी भी क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये ओवरऑल चिल्ड्रन का जितना भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके माध्यम से वो जो क्लास में क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो फंडामेंटल उसका राइट है उसका हिसाब से वो राइट उसको कभी नहीं मिलेगा वो बच्चों लोगों को, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में भी टोटली पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, टीचर्स लोग पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल रिकमेंडेशन के आधार में जो नियुक्ति हो रहा है, ये सब के लिए हम लोग संगठन के माध्यम से ये प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग एकदम विरोध करते हैं। ये आपका कैंडिडेट ही खुद है, वो लीडर भी है, उसका नाम है केशव राज पोखरेल, केशव राज पोखरेल प्रजातांत्रिक मोर्चा है वहाँ पे अनित थापा का, उसका आपका सेंट्रल कमिटी का मेंबर है गोरखा अनएम्प्लॉयड जी, गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेन टीचर्स हाँ टोटल सर नहीं हियरिंग चल रहा है आपका लगभग 1500 हियरिंग तो कंटिन्यूस रूप से चल रहा है, ये 2019 को मार्च महीने में आपका कोलकाता हाईकोर्ट में एडमिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे जलपाइगुड़ी सब कुछ उस टाइम फर्स्ट था, इसीलिए हम लोग को इधर में दे दिया है। जस्टिस गांगुली का जो कोर्ट चल रहा है अभी जी जी, उनमें से उठेगा, इनमें से नहीं उठेगा, कब उठेगा? नेक्स्ट सर्किट बेंच में उठेगा जी, जस्टिस गांगुली का आएगा, वो नहीं बोल सकते, वो तो कोर्ट का रूटीन के अंदर है। शिवराज पोखरेल के 17 लोगों को मिला जी, उसका फैमिली के अंदर में 17 लोगों का लिस्ट है, उसमें कौन कौन है, उसमें बहुत लिस्ट है सर, कौन कौन है उसका करीबी, कौन कौन हाँ करीबी, उसका भाई मतलब उसका जो भाई का बीबी होता है, ये सब जो रिलेटिव्स है ना वो सब, ये प्राइमरी में मिला है या प्राइमरी और अपर प्राइमरी सब हाई स्कूल सब मिला के। जीटीए एरिया में स्कूल खाली प्राइमरी खाली 778 नहीं नहीं मतलब स्कूल टोटल 778 का नंबर तो मालूम नहीं है, प्राइमरी का तो 778 है। अच्छा आपने जीटीए का वैकेंसी जो मैंने आरटीआई किया था, आरटीआई में बोला है कि आप एक बार देखिए बता नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इज 865, ये आरटीआई आपको मैंने किया था 2022 को मुझे रिप्लाई मिला है, ये इस साल ये मेरा आरटीआई मिला है आपका अप्रैल महीने में 2022 उसी का टाइम में रिप्लाई आया। आप आरटीआई फाइल कब किया? ना ये आपका मैंने किया था आपका और किसको फाइल किया? ये जीटीए को मैंने मार्च में किया था, अप्रैल में मुझे आरटीआई का रिप्लाई मिल गया। मार्च 22 जी, मार्च 22 जीटीए में किया था, जीटीए डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में किया था, आरटीआई ऑफिसर ना डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में किया। इसमें रिक्रूटमेंट कितना हुआ, इलीगल हो या लीगल हो, वो जो आपने केस किया जी जी प्राइमरी में 121 ही हुआ, बाकी नहीं हुआ, बाकी नहीं, ये लिस्ट आप लोग ले सकते हैं। ओके अच्छा, घोटाला जब हुआ जी जी, उस टाइम जीटी में कौन था पावर में? पावर में उस टाइम में आपका चेयरमैन जो था विनय तामंग था, विनय तामंग जी, तो वो जो 100 डेज का स्ट्राइक फाइल हो जाने के बाद जब विनय तामंग ने बीडी के साथ हाथ मिलाया, उसके बाद जो उसके बाद 19 में हुआ 2019 में
इंडिया जवान का पीरियड। अच्छा, ये वैकेंसी जो फुलफिल हुई थी जनवरी 2019 में और आप लोगों ने मार्च में परसों किया था कोर्ट में। जनवरी 2019 को अपॉइंटमेंट किया था और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पूरा जुटाया उसके बाद हाई कोर्ट में। आपने का मॉनेटरी इसमें ये हुआ तो मॉनेटरी में पॉलिटिकल और मॉनेटरी लिवरेज पर हेड आपका एवरेज 10 लाख से ऊपर एवरेज जी पर पोस्ट। जी पर पोस्ट क्योंकि आपका 10 लाख तो आपका 3 इयर्स में तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा उसका होगा ना सैलरी, पेंशन भी मिलता है उसको वो। ये मैं 10 लाख आपका प्राइमरी का बात कर रहा हूँ। नहीं मैम, आपका जो 2019 में मार्च महीने में उधर हाईकोर्ट कोलकाता में एडमिशन किया और उधर ही करने वाला था, लेकिन जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच अभी ओपनिंग चल रहा था ना तो अप्रैल से शुरू था, इसीलिए उधर हाईकोर्ट से इधर दे दिया और सर्किट बेंच में चालू। नहीं, अपॉइंटमेंट हुआ था ये और मार्च में एडमिशन किया था कोलकाता में। क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोगों का केस का जो एफिडेविट है उसमें सीधा लिखा है कि जितना भी 121 इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट हुआ है इसका SIT जांच हो कोर्ट के माध्यम से और इफ दे फाइंड देम इलीगल वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू क्वेश्चन दैट अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ क्या प्राइमरी में लग रहा है या फिर हाई में भी हुआ है? जैसे कि हम लोग प्राइमरी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग प्राइमरी का फाइल किया है, प्राइमरी का फाइल किया है, इसके बाद हम लोग अपर प्राइमरी का करेंगे और हाई स्कूल का जो मैटर है वो BEd का कैंडिडेट आगे आके करना पड़ेगा। अभी तक नहीं हुआ जी प्राइमरी, इसके बाद हम लोग अपर प्राइमरी का भी करेंगे फिर हायर सेकेंडरी के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है तो इसके लिए BEd का कैंडिडेट चाहिए, अगर वो BEd का कैंडिडेट आगे आके करेंगे। अच्छा, एक और जी जी उधर में अप्रोक्सीमेट जो रेगुलर बेसिस होता है ट्रेनिंग उसमें आपका 700 अप्रोक्सीमेटली और बाद बाकी जो NIC करता है वो मालूम है। जी टोटल इंक्लूडिंग आपका कोर्सिंग कालीपुंग। अच्छा, एक चीज और बताइए जी, 3 बेस आपने बताया पॉलिटिकल मॉनेटरी एंड नेपोटिज्म जी, तो इन तीनों बेस पे तो हुआ अपॉइंटमेंट लेकिन क्या उसमें क्राइटेरिया से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया? हाँ, क्राइटेरिया से भी कॉम्प्रोमाइज किया है, जैसे कि क्राइटेरिया तो दूर की बात सब्जेक्ट में भी जो होता है ना, जैसे कि हाई स्कूल में अगर एक कैंडिडेट पोल साइंस में मास्टर्स करके बैठा है BEd है कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन पोल साइंस का कैंडिडेट को इंग्लिश सब्जेक्ट में दे दिए ऐसे करके। तो प्राइमरी में तो ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट वाइज, प्राइमरी सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, प्राइमरी में तो ओवरऑल जी जी ओवरऑल होता है। ये आपका नंबर बताइए ना, फोन नंबर 8617 4818 1500 यसमा टोटली संलग्न हाम्रोमा कतिवटा दस्तावेजहरू छ, यसमा धेरैजना कतिपय मात्रै होइन कतिजना हिडन फेजहरू पनि छ जसले त चुपचापको रूपमा यसरी काम गरिरहेको छ एउटा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा तर इलिगल वेमा चाहिँ यो प्रकारको पैसा उठाउने काम भोलिन्टियर पुलिसमा नाम हालिदिन्छु भन्ने लाख लाख रुपियाँ उठाएर खाने कामहरू गरिरहेको छ, यस्तो व्यक्तिहरू पनि धेरै छ। होइन एउटै हो, उहाँ जस्तै उहाँ कालिम्पोङ सर्कलको हुन्छ, उहाँ खरसाङ म उता कालिम्पोङ कालिम्पोङबाट यहाँनिर हाम्रोमा कतिवटा दस्तावेजहरू छ है, जस्तै यहाँनिर सन्चबीर सुब्बा सन्चबीर सुब्बा MLA रुदेन लेप्चाहरूको रिकमेन्डेसन लेटरहरू हामीसँग छ। और उसको खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेयरमैन बिठाया, डेप्यूटी चीफ भी बनाया। जी जी, जी।
सब लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए एक मोरल ग्राउंड में। अच्छा तो जीटीए का तो अपना ऑटोनॉमी है, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्यों? हाँ ये बात मैं मीडिया में बोलना भूल गया, मतलब मेन बात ये है कि जैसे कि जीटीए में एजुकेशन सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड है जीटीए एग्रीमेंट में, ठीक है, लेकिन एजुकेशन सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड है लेकिन उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एनसीटी नॉर्म्स है और जो गवर्नमेंट मैंडेट है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल पॉलिसी करना चाहिए। वो तो अपना पॉकेट वाला जो नॉर्म्स है डाल के मन चाहे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, पॉकेट का नॉर्म्स डाल रहा है उधर में, आपका मन चाहे जिसको भी कैंडिडेट उठा के अभी तो उसका क्या प्रोसेस काम चल रहा है ये मालूम नहीं। यो तपाईले दार्जिलिङ कालिम्पोङ र खरसाङको अलग अलग रिक्वायरमेन्ट भएको छ होइन, हामीले तपाईँको जिटिएमा जब यो लिस्ट बनिन्छ नि ओभरअल टोटल भ्याकेन्सी के बनिन्छ त्यस्तो हुन्छ, सबै सबै मिसाएर एकैतालमा होल हुन्छ। नेपालीमा सब अलग बस्ते क्या आपका फोटो किसके ले सकते हैं? फोटो किसके ले सकते हैं? आपके पास जेरॉक्स नहीं है? जेरॉक्स कॉपी नहीं है, एक ही सेट है सर। सर क्या मुनि रख रहे हैं दादा? छवि तुलछ म एकपल्ट बोलिहाल्छु बोलु न। एक ही सेट है सर, पहिले ये फिर दिखाएंगे एक बार मीडिया में दिखाएंगे। नंबर फोन नंबर 8617481522 स्टार्ट गर्नु नेपालीमा होइन। नमस्कार सबैलाई, हामी गोर्खा बेरोजगार प्राथमिक प्रशिक्षक शिक्षक सङ्गठन जिटिए क्षेत्रबाट हामी केन्द्र समितिको तत्त्वावधानमा आज मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो कालेबुङ जिल्ला समितिका सभापति रोमन भुजेल, अनि यता हुनुहुन्छ खरसाङका सचिव श्री गुन्जन प्रधान। आज हामी सिलगढी जर्नल न्युज क्लबमा आएर यस मिडियामा हामीले सिलगढीमा जनाउनुको मुख्य तात्पर्य के हो भन्दाखेरि, हामीले पाहाडको विभिन्न मिडियाहरूमा 2019 अगाडि नै देखि नै हामीले मिडियामा विभिन्न स्रोतहरू माध्यमबाट यो जुन चाहिँ अवैध शिक्षक नियुक्तिको विरोधमा हामीले आवाजहरू उठाइरहेका छौँ है, जुन प्रकारले आज पश्चिम बङ्गालका विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरूतिर सिबिआई जाँच भएर इडी लागेर जुन प्रकारको यो शिक्षक नियुक्ति विषयमा धेरैवटा
कुराहरू बाहिर प्रकाशमा आइरहेका छन् है। अनि एकजना ठुलो क्याबिनेट मिनिस्टर श्री परेशचन्द्र अधिकारीको छोरी अङ्किता अधिकारीलाई पनि त्यो टर्मिनेट गरेर उहाँको जुन चाहिँ स्यालेरी 41 महिनाको 2 इन्स्टलमेन्ट गरेर फर्काएर लगिसकेको छन्। साथै प्राइमेरी स्कुल्सहरूमा पनि 269 जना जति पनि इलिगल मेरिटमा मेनिपुलेट गरेर भेटेको खण्डमा हाइकोर्टले उहाँहरूलाई पनि टर्मिनेट गरिसकेका छन् भने हामीले 2019 जुन चाहिँ जिटिए क्षेत्रमा प्राइमेरीमा जुन चाहिँ 121 जना अपोइन्टमेन्ट भएको थियो हामीले लगत्तै 2019 नै 19 नै हामीले हाइकोर्टमा याचिका दर्ता गरेका छौँ र यो लगातार रूपमा हियरिङ चलिरहेको छ भने यसको तपाईँको विचाराधीन रूपमा सर्किट बेन्चमा चलिरहेको छ यो मुद्दा। अनि जुन प्रकारले यहाँनिर तपाईँको पश्चिम बङ्गालमा तपाईँको मेरिट एउटा एसएससी र टेटलाई मेनिपुलेट गरेर मेरिटलाई मेनिपुलेट गरेर यहाँनिर क्यान्डिडेट्सहरू घुसाउने काम गरिरहेका छन् भने जिटिएमा कुनै प्रक्रिया बिना कुनै इन्टरभ्यू बिना कुनै नोटिफिकेसन बिना जुन प्रकारको यहाँनिर अवैध शिक्षक नियुक्ति भएको छ एज पर पोलिटिकल र मोनिटरी लेभरेजमा नेपोटिजम गरेर यो तपाईँले लिस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्राइमेरीमा 121 जनाको यस्तो प्रकारले लिस्टहरू बनाएर भित्रभित्र लिस्टहरू बनाएर आफ्नो आफ्नो क्यान्डिडेटहरू आफ्नो आफ्नो परिवारको मान्छेहरूको नामहरू हालेर यसरी गरिरहेको छन् भने हाई स्कुलमा पनि यसरी 313 जनाको विभिन्न प्रकारको नामहरू यसरी यहाँनिर उल्लेख गरेर यो जिटिएबाट रिकमेन्डेसन पठाएर तपाईँको वेस्ट बङ्गाल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनबाट पनि यसरी नियुक्ति गरिएको थियो 2019 मोस्ट अफ द क्यान्डिडेट्स कतिजना एलिजिबल थिएन भने है कतिजना क्यान्डिडेटहरू बाहिर एयर होस्टेसको रूपमा काम गरिरहेको थियो कतिजना बाहिर देशमा विदेशमा गएर काम गरिरहेको थियो कतिजना कन्ट्र्याक्टरको छोराछोरीहरू छन् भने नेताहरू आफै पनि यो लिस्टमा छन् है। अनि एकजना क्यान्डिडेटको नाम यहाँनिर सन्चबीर सुब्बा जो अहिले जिटिएमा पनि उहाँलाई शिक्षाको एजुकेसन डिपार्टमेन्टको चेयरमा राखिएको छ अनि डेप्युटी चिफ पनि उहाँलाई बनाइएको छ एउटा यो एउटा मोरल ग्राउन्डमा पनि आजको दिनमा उहाँले आजको दिनमा रिजाइन गर्नुपर्ने हो है। हामी त्यही अपिल गर्दछौँ एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउनु हो भने यहाँनिर राजनीतिकरण हुनु हुँदैन। आजको दिनमा जो चोर दोरबाट छिरेर यसरी नियुक्ति पाएको छ आज उनै यो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको चेयरपर्सन कसरी हुनसक्छ उसले कसरी व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्नुसक्छ। आजको दिनमा यो जुन जति पनि यो लिस्टहरू छ यो यसरी पोलिटिकल रेफरेन्समा पोसेको शिक्षकहरूले एउटा स्कुलको नानीहरूको भविष्यसँग कसरी खेलवाड गर्नुसक्छ एउटा क्लासरुम सिचुएसन उनीहरूले कसरी ह्यान्डल गर्नुसक्छ जबकि टिचर्स भन्ने कुरा एउटा रोल मोडल एउटा आइडलको रूपमा नानीहरूले मान्छ भने आजको दिनमा यसरी झन्डा थापेर लाख लाख रुपियाँ पैसा तिरेर जुन प्रकारले यो नेताहरूको रिकमेन्डेसनमा यिनीहरू लेटर पाएको छ हामीलाई यो विषयमा धेरैवटा आपत्तिहरू छन् भने यो जुन चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटरहरू छ जिटिएबाट तपाईँको डाइरेक्टली वेस्ट बङ्गाल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनको एपिसी भवनबाट यो अपोइन्टमेन्ट लेटर आएको थियो। यहाँनिर वेस्ट बङ्गाल बोर्ड अफ प्राइमेरी एजुकेसनको प्रेसिडेन्टको सिग्नेचर तपाईँहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कुन प्रकारले यहाँनिर धलिमली गरिएको छ कुन प्रकारले यहाँनिर भारतको संविधान 14 अनि 16 अन्तर्गत यहाँनिर एलिजिबल क्यान्डिडेट्सहरू जसले डिएलएड अनि बिएड गरेका थिए उनीहरूको हक र अधिकारलाई छिरेर उनीहरूको पेटमा लात हानेर कुन प्रकारले यहाँनिर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् यो विषयमा सबैजनालाई सर्वोदित भएको कुरा हो। अनि यहाँनिर यो प्रकारको यस्तो टाइपको रिकमेन्डेसनहरू यहाँनिर डाइरेक्ट स्कुल गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बङ्गाल स्कुल एजुकेसन डिपार्टमेन्ट भनेर यहाँनिर डाइरेक्ट विनय तामाङको टाइममा 2 श्री विनय तामाङ चेयरमेन भनेर यहाँनिर जुन प्रकारले यहाँनिर टेकिङ डिसिसन टु रेगुलराइज 313 भोलिन्टरी टिचर्स इन हाई हायर सेकेन्डरी यस्तो लेटरको आधारमा आजको दिनमा शिक्षक नियुक्ति कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाएका छौँ। यहाँनिर पोलिटिकल पार्टीहरूको रिकमेन्डेसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रेसिडेन्ट 42 नम्बर समिति जसमा अहिलेको प्रेजेन्ट यहाँनिर एमएलए रुदेन सादा लेप्चाको सिग्नेचरमा उसले आजको दिनमा चोर बाटोबाट नियुक्ति पाउनको लागि कसरी रिकमेन्ड गर्नुसक्छ। अनि यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स डिआईको थ्रुबाट जुन यहाँनिर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट डिआईले यहाँनिर इडीलाई लेटर लेखेर जुन प्रकारले यहाँनिर लिस्ट अफ भोलिन्टियर टिचर्स भनेर यहाँनिर यसरी रिकमेन्ड गरेको छ जुन यहाँनिर लिस्टको क्यान्डिडेट्सहरू प्रायः जसो आजसम्म स्कुलमा खुट्टा टेकेको छैन भने यसो क्यान्डिडेटहरूको नामहरू लिस्टहरू गराएर लाख लाख रुपियाँ उठाएर जुन प्रकारको आज अवैध शिक्षक नियुक्ति भएको छ हामी यसमा घोरभन्दा घोर विरोध गर्छौँ। यहाँनिर बाख्राकोट हाई स्कुलको पनि यहाँनिर जुन चाहिँ 17 जनाको लिस्टमा श्री चेयरमेन बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन अनि थापाको नाममा जुन चाहिँ काइन्डली डु द निफुल भनेर रिकमेन्डेसन पोलिटिकल लिडर्सहरूले आजको दिनमा शिक्षासँग जुन प्रकारले खेलवाड गरिरहेको छ है हामी लगातार यसको विषयमा हामी उयो आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। यहाँनिर रिकमेन्डेड बाई बिओए सन्चबीर सुब्बा मेम्बर अफ बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन आजको दिनमा कसरी उसले त यहाँनिर टिचर रिकमेन्ड गर्न सक्छ कि एउटा प्रपर प्रोसेसबाट त तिमीले नियुक्ति पाउनुपर्छ भनेर यहाँनिर एसएससी र टेटको लागि जोड दिनुपर्ने हो यो पाहाडको सम्पूर्ण नेताहरूलाई हाम्रो यहाँबाट एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह तिर्साएको छौँ। शिक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ अनि यहाँनिर एउटा
गुणस्तरीय शिक्षा नानीहरूमा प्रदान गर्नु हो भने यस्तो खालको धलिमली तपाईँहरूले बन्द गर्नुपर्छ, राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्छ। जुन प्रकारले तपाईँले यहाँनिर आज दिनमा भोलिन्टियर टिचर्सलाई रेगुलराइज गर्छु भनेर एउटा लेटर ढिप्पी गरिरहनु भएको छ, जुन कन्स्टिट्युसन बेन्च अफ द सुप्रिम कोर्टको पनि एगेन्स्ट हो, आज दिन म्यान्डेट अफ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल पनि एगेन्स्ट हो, एनजिटीको नर्म्सको भयोलेसन हो, राइट टु एजुकेसन एक्टको भयोलेसन हो। यहाँनिर आज दिनमा सुप्रिम कोर्टको अर्डर छ, यहाँनिर जजमेन्ट कपी छ, यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर कुन प्रकारले त यहाँनिर यस्तो प्रकारको भोलिन्टियर टिचरलाई रेगुलराइजेसन गर्नु सक्छ भन्ने कुनै पनि प्रकारको प्रोभिजनहरू छैन है। यो यस्तो प्रकारको खेलवाडहरू गरेर जुन प्रकारको यहाँनिर शिक्षा व्यवस्थामाथि खेलवाड गरिरहेका छन् है। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि जिटी एउटा ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो भन्दैमा तपाईँले कसरी त्यो गोजीको नर्म्स तपाईँले आफ्नो गोजीको नर्म्सहरू चलाएर यहाँनिर विभिन्न प्रकारको आफ्नै नामहरू यो लिस्टमा यसरी हालेर आफ्नै छोराछोरी कन्ट्र्याक्टरको छोराछोरी लाख लाख रुपियाँ पैसा उठाएर कसरी तपाईँले नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर के त्यहाँनिर जिटिएको एग्रिमेन्टमा जिटिएमा एजुकेसन सिस्टम एजुकेसन इज अ ट्रान्सफर सब्जेक्ट भन्दैमा तपाईँले गोजीको नर्म चलाउन सक्छ र यसरी भाइ भतिजाबाट लाख लाख रुपियाँ पैसा उठाएर अनि यसरी अवैध शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्छ भनेर कुन चाहिँ जिटिए एक्टमा लेखेको छ त्यो तपाईँले देखाउनुपर्छ यहाँनिर जनताको अगाडि। अनि हामी चाहन्छौँ यसको कोर्टको थ्रुबाट माध्यमबाट सिबिआई जाँच हुनुपर्छ, यसको कडाभन्दा कडा सजाय, जो इन्भल्भ पर्सन्स र अथोरिटिजहरू छ उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ, र यदि यो अलिक इलिगल टिचर अपोइन्टमेन्टहरू भोलि दिनमा प्रुफ भएको खण्डमा कोर्टले यिनीहरू सबैजना टर्मिनेट गरेको हुनुपर्छ। किनभने प्राइमेरीमा मात्रै 121 जनामा तपाईँको गभर्मेन्टको जुन चाहिँ पब्लिक मनी छ, ट्याक्स पेयर्स मनी छ, पर मन्थ तपाईँको 36 लाख रुपियाँ पर मन्थ त्यसै पानीमा बग्दैछ। यो कुरा ध्यानमा राखेर कोर्टले एउटा न्यायिक निर्णय एउटा न्यायपूर्वक निर्णय लिन्छ भन्ने हामी एकदमै आशावादी छौँ। हजुरको भनाइअनुसार पहाडका कतिपय नेताले पैसा दिएर हजुर हजुर पैसा लिएर यसमा तपाईँको जति पनि त्यसमा चेयरपर्सनहरू थियो अनि डिपार्टमेन्टमा पनि जति पनि चेयरपर्सन्सहरू छ उनीहरूलाई तपाईँको कोर्टले सोधी खोजी गरेर त्यो रेस्पोन्सिबल अथोरिटीहरू जति छ उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी फिक्स गर्नेछन् कोर्टले।